हेलो। हेलो हाँ जी, बताया जा रहा है जो गुरुग्राम में पंचायत हुई है जी जी, जो हाफिज साहब था जी जी, उसको आपको खूब पता है, उसको मौत को घाट उतार दिया है गुड़गांव में। जी और बताया जा रहा है काफी लोग बजरंग दल के गिरफ्तार भी कर लिए हैं, जी और उस कुछ लोगों पे केस दर्ज भी कर दिया है, जी और बजरंग दल वालों ने खुली तौर पर चैलेंज दे दिया है पुलिस को, अगर 7 दिन में हमारे बंदों को नहीं छोड़ेगी जी तो पुलिस के हाथ काट दिए जाएंगे। इसके बारे में कुछ बताओगे? जी ये इस वक्त एक काफी बड़ी खबर आ रही है और काफी ये चौंका देने वाली भी खबर है। ये हरियाणा के वहीं उसी इलाके से है, गुरुग्राम से, जहाँ के पास ही में नहुमेवात में हिंसा हुई थी। अब से पहले जी तो उस दंगे का शिकार जो हाफिज साद थे, जो गुड़गांव की सेक्टर 57 की अंजुमन मस्जिद में एक इमाम के तौर पर काम कर रहे थे, जी रात को तकरीबन 12 बजे जाकर कुछ बजरंग दल वाले तकरीबन 200 लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, उनको गोली मार दी थी। तो जी उसमें कुछ लोगों के नाम FIR दर्ज हुई थी और कुछ लोगों को शायद गिरफ्तार भी किया था। तो अभी कल ही गुरुग्राम में एक महापंचायत हुई है, हिंदू महापंचायत, उसमें खुले तौर पर पुलिस को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 7 दिनों के अंदर उन्होंने उनके नाम FIR से नहीं हटाया और जिनको गिरफ्तार किया है उनको नहीं छोड़ा तो पुलिस के साथ बहुत बुरा होगा। वो सब उनका मतलब विरोध करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस हमारे आदमियों को अगर गिरफ्तार करने के लिए उनके गांव में गई तो अच्छा नहीं होगा। और उसमें और भी कई चैलेंज दिए गए हैं, उसमें खुले तौर पर ये बातें कही गई हैं कि जो अंजुमन मस्जिद है सेक्टर 57 से, उसको यहाँ से हटाया जाए क्योंकि ये हिंदू बहुमूल इलाका है। इस तरह की उन्होंने धमकी दी है कि यहाँ से इस मस्जिद को हटाया जाए, यहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वो ज्यादा है। जी सुनिए 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 जी जी, आपको भी पता है मेवात में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं। जी अगर अंजुमन मस्जिद को गुड़गांव में से हटाया जाएगा 57 सेक्टर में से, जी तो सीधी सी बात है हमारे यहाँ भी बहुत मंदिर है, इन्हें भी हटाया जाएगा अगर अंजुमन मस्जिद हटेगी तो। जी बिल्कुल, जो बात उनकी, जिस बात को वो कह रहे हैं उनके हिसाब से, तो मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि अगर जो हिंदू बहुमूल इलाका है अगर वहां से मस्जिदों को हटाया जाएगा तो उनके कहने का मतलब यही निकल रहा है घूम फिर के कि जहां से फिर तो जो मुस्लिम बहुमूल इलाके हैं वहां से मंदिरों को हटाना चाहिए, ये उसका कहना है। हालांकि हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। और दूसरी चीज उन्होंने उसमें ये कही गई है कि कुछ भी चीज अगर कोई खरीदे तो वो किसी मुसलमान दुकानदार से ना खरीदे, हिंदू दुकानदार से ही खरीदे, चाहे वो उसको 5 रुपए महंगी मिले। इस तरह की जो वहां पर बातें हैं पंचायत में कही गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है कि उस टाइम पे धारा 144 लागू थी और उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये आदेश दिए हुए थे कि लोग इकट्ठा ना होने पाए ऐसे टाइम पे, लेकिन फिर भी धारा 144 लागू होने के बाद भी वहां पर महापंचायत हुई, उसमें काफी बड़ी संख्या में हिंदू लोग जुड़े। और बताया तो ये भी जा रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले हैं वो भी मौजूद थे। अब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हालांकि जो बुलडोजर है वो मुसलमानों के घर पर बिना किसी सबूत के चलाया जा रहा है और ये लोग खुले घूम रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, इस तरह की नफरत की बातें कर रहे हैं। पता नहीं है इस टाइम पे जो खट्टर का बुलडोजर है और खट्टर की जो खटारा सरकार है वो क्या काम कर रही है। जी, उसकी सरकार सिर्फ मेवात में काम आ रही है और कहीं भी नहीं आ रही है। जी वो तो है ही, बिल्कुल ही मुसलमानों पर ही अपना जोर दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी को मुसलमान तब वोट दें ना तब वोट दें।